आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट बीनीथ द ग्राउंड टू शो देयर रिलेटिव पोजिशन ऑन रिकॉर्ड. द रिलेटिव पोजिशन रिक्वायर्ड इज आइदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल और बोथ. सर्विंग बेसिकली हमारा एक टेक्निक है, एक आर्ट है, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी बड़े एरिया को आप छोटे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ डिफरेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. सर्वे जैसे कि हम जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. इसके बिहाफ पे आप लोग अपना जो डायमेंशंस वगैरह, जो प्लॉट की बाउंड्रीज है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज, वो इसको आप मेंशन कर सकते हैं. लेस प्रिसिसली द टर्म सर्विंग इज यूज टू द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन देयर हॉरिजेंटल पोजिशन. मेजरमेंट टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्टिकल पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज लेवलिंग. अब सर्वेइंग में एक पार्ट आता है हमारा लेवलिंग. जैसे कि मुझे कोई रोड सर्फेस बनाना हो या नया रोड डेवलप करना हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो रोड वगैरह है वो नॉर्मली अनड्यूलेट रहती है, मतलब ड्यूरेशन अनड्यूलेशन ज़्यादा रहते हैं. तो उस कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, हमको एक सर्वे की डेफिनेशन आती है, इसके अंदर होता है लेवलिंग. हमको उसी कटिंग एंड फिलिंग निकालना रहती है. तो सर्वेइंग में ही हम लोग ये निकालते हैं कि हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसे हमको कितना कटिंग करना है या कितना उसमें फिलिंग करना है. देन ऑब्जेक्ट एंड यूजेस ऑफ सर्वे प्लान्स प्रिपेयर टू रिकॉर्ड प्रॉपर्टी लाइंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट लैंड्स हेल्प इन अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज. हम लोग इससे प्लान बना सकते हैं जिससे कि हम लोग हमारी प्रॉपर्टी लाइन बना लें, जिससे हम लोग कोई कॉन्ट्रोवर्सीज या फिर कोई ऐसे फाइट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो दो पार्टीज के बीच में ना हो. मैप्स बनते हैं, बाउंड्री मैप्स बनते हैं, जिसमें कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कंट्री का कितना बाउंड्रीज है, हमारी स्टेट की क्या बाउंड्रीज है, डिस्ट्रिक्ट की क्या बाउंड्रीज है, और ऐसे ही हम स्टेट वगैरह तहसील हो गई उससे क्या बाउंड्रीज वगैरह हम इससे जान सकते हैं. लोकेलिटी प्लान हम बना सकते हैं. स्ट्रीट हो गई आपकी, जैसे आपको दो एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया भी सर्वे की हेल्प से कर सकते हैं. रोड मैप हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं अगर मैं टूरिज्म एरिया में हूँ या फिर मैं एक सोलो ट्रेवलर हूँ, तो ये बेसिकली बहुत से लोग यूज़ करते हैं सोलो ट्रेवलर, जो गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं. गूगल मैप ही सबसे बड़ा एग्जांपल एक सर्वे का है. टोपोग्राफी के लिए भी हम लोग जानते हैं कि ये रिवर की लेंथ कितनी है, रिवर कहाँ से कहाँ निकल रही है, और हिल्स की साइज़ क्या है, हिल किस टाइप की है, स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, कैनाल कहाँ से निकल रही है, ये सब टोपोग्राफिक सर्वे में हम लोग जानते हैं. देन प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट वर्क लाइक रोड, ब्रिज, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर डिस्पोजल सर्विस ऑल्सो रिक्वायर्ड. हम लोग सर्वे की हेल्प से हम लोग ये भी जानते हैं कि क्या आपको कहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है रोड की, कहाँ पर ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट प्रॉपर है, कहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम देना है. ये सब डिफरेंट कैटेगरी हम लोग हमारे सर्वे में हम जान सकते हैं. मरीन एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे में भी हम लोग जान सकते हैं कि आपको पोर्ट वगैरह कहाँ बनाना है. आपको हाइड्रोग्राफिक सर्वे में आपके जो डेप्थ है सी की, रिवर की कितनी है, वो आप सर्वे के हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं. मिलिट्री सर्वे में जैसे कि इसमें लिखा है मिलिट्री सर्वे इज रिक्वायर फॉर स्टेटिक प्लानिंग. आप मिलिट्री सर्वे के अंदर आप प्लानिंग वगैरह हो सकता है ये देख सकते हैं, बंकर्स के ये देख सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा खुफिया जानकारी निकालनी हो तो आप बाय हेल्प ऑफ सर्वे आप लोग उसको निकाल सकते हैं. माइंस सर्वे आर रिक्वायर फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल. तो माइनिंग्स वगैरह आप भी इसमें देख सकते हैं, माइंस वगैरह निकाल सकते हैं कि कहाँ पर सुटेबल माइंस है, और इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे आप निकाल सकते हैं. जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सर्वे आर नेसेसरी फॉर डिटरमाइन डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट सो डेट द प्रॉपर लोकेशन इज फाउंड फॉर रिजर्वायर. हम लोग ये ध्यान जब डैम बनाते हैं तो हमको नियरेस्ट अप्रोच चाहिए रहती है कि हमारा बेस्ट सुटेबल लोकेशन क्या हो कि जिससे कि मेरा रिजर्वायर बने. तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जब कैचमेंट एरिया रहता है हमारा डैम का, जहाँ पर हाईएस्ट रहेगा, हम वहाँ पर हमारा डैम का जो डैम को हम बनाते हैं. तो ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती है, ये सब निकलती है आपकी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सर्वे से. देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे रहता है, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, हम जो हमारी पुरातत्व धरोहर रहती है उसको हम उसके बारे में कुछ जांचना हो, उसके बारे में हमको देखना हो किस टाइप की स्टोन्स है, कितने पुराने हैं, या ये पाषाण युग में किस तरह से थे, ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आती है. एस्ट्रोनॉट सर्वे में रहता है कि आपको दो प्लैनेट के बीच डिस्टेंस हो गई, या मून से अर्थ की डिस्टेंस हो गई, या सैटेलाइट की अर्थ से डिस्टेंस हो गई, ये सब आप कहाँ में निकालेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंदर. तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या रहता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ मोमेंट्स
ऑफ प्लैनेट्स एंड फॉर कैलकुलेटिंग लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम्स, ये सब आप काय में कवर करेंगे आपके एस्ट्रोनॉटिकल सर्वे के अंदर। देन डिवीजन ऑफ सर्वे की बात करूंगा, तो डिवीजन ऑफ सर्वे हमारे दो टाइप से किए जाते हैं। दे आर टू प्राइमरी डिविजन्स, जियोटिक सर्विंग एंड प्लेन सर्विंग। द सर्विंग इन विच अर्थ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड इज कॉल्ड प्लेन सर्विंग, एंड द सर्वे इन विच अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर इज कॉल्ड द जियोटिक सर्वे। अब मान लीजिए जियोटिक का मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मुझे कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ से लेकर मुझे रेलवे स्टेशन की अगर मुझे दूरी नापनी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो स्ट्रेट डिस्टेंस रहेगी। तो वो नॉन स्ट्रेट डिस्टेंस को अगर जहाँ पर कर्वेचर आ गया, जहाँ कर्व आ गए, उसको मैं बोलूँगा कर्वेचर सर्विंग। वो जहाँ प्लेन एरिया हो गया, जस्ट लाइक आपको किसी माउंटेन की आपको हाइट निकालनी है, तो वो प्लेन एरिया में कन्वर्ट रहती है। आपको सीधे हाइट निकालने में काम आ रहा है, या आपको सीधे डेप्थ निकालनी हो, इस टाइप का कुछ वर्जन आ रहा हो आपके पास में, तो आप ये देख सकते हैं कि वो काय में आ जाएगा, वो आपका प्लेन सर्विंग के अंदर आ जाएगा। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ सर्विंग। अब हर चीज़ के प्रिंसिपल होते हैं, तो सर्विंग के कुछ दो प्रिंसिपल छोटे से प्रिंसिपल रहते हैं। पहला प्रिंसिपल बोलता है वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, और दूसरा बोलता है टेक एक्स्ट्रा केयर इन फिक्सिंग न्यू कंट्रोल पॉइंट्स। अब वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट क्या डेफिनेशन बोलती है, तो उसको हम थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं इस डेफिनेशन को। इन सर्विंग लार्ज एरिया अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड दे आर लोकेटेड विद अ हाई प्रिसिशन। देन सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स आर लोकेटेड यूजिंग लेजर प्रिसिस मेथड। द डिटेल ऑफ द लोकलाइज एरिया आर मेजर्ड एंड प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। दिस प्रिंसिपल इन सर्विंग हेल्प इन लोकलाइजिंग द एरर। इफ द सर्विंग इज कैरीड आउट बाय एडिंग लोकलाइज एरिया एरर एक्यूमुलेटेड एंड मे बिकम अनएक्सेप्टेबल विन लार्ज एरिया इज कवर्ड। तो होल्ड टू द पार्ट ओवरऑल डेफिनेशन की बात मैं करूँगा, तो मैं ये कह सकता हूँ जब मेरे बहुत बड़े एरिया हो जाते हैं, जब मैं बड़े एरिया की बात करता हूँ, तो बड़े एरिया को छोटे एरिया में कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ की कोई ज़मीन है, उस 10 एकड़ को आप डायरेक्टली मेजर तो नहीं कर सकते। उस 10 एकड़ ज़मीन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसे 1 एकड़ पहले नाप लिया, फिर 1 एकड़ कर लिया, फिर 1 एकड़ कर लिया। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई सर्वे करते हैं, तो वो काय में कैटेगराइज होगा, वो होगा वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट के अंदर। देन एक्स्ट्रा केयर इन फिक्सिंग, जो सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा, एक्स्ट्रा केयर इन फिक्सिंग द न्यू कंट्रोल पॉइंट्स। जो ये सर्वे होगा आपका, ये काय में आएगा, इसमें क्या रहता है, जैसे कि फिगर हमको, जैसे हम फिगर की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए हमको जैसे सी पॉइंट निकालना है, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ सी पॉइंट, जैसे मुझे यहाँ निकालना है, तो सी पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, आप पहले ए से लेकर बी डिस्टेंस के बीच में आपको अगर सी पॉइंट दे रखा है, तो सी पॉइंट से बी की डिस्टेंस चाहिए और मुझे ए की डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, या तो आप डायरेक्ट टेप से मेजर कर लेंगे, दूसरा या आप परपेंडिकुलर डाल देंगे, या फिर कोई आप एंगल से निकाल लेंगे, या फिर आप ए से और बी से दोनों कंपास सर्विंग करके आप एंगल निकाल लेंगे, या फिर आप एक साइड से लेंथ मेजर कर लेंगे, दूसरी साइड से एंगल मेजर कर लेंगे, और इस फॉर्मूले से भी आप लोग अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, हम कंट्रोल पॉइंट से हमारे, आप अपने डिस्टेंस को निकाल सकते हैं जो आपको पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए, और उसके बिहाफ, उस रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पे आप अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे फिगर शो हो रहा है, द वेरियस मेथड फॉर फिक्सिंग पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट्स एंड बी बाय मेजरिंग साइड्स एंगल और सेटिंग परपेंडिकुलर्स, ठीक है, फॉर फिक्सिंग न्यू कंट्रोल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस शुड बी फॉलोड। कैसे भी आप 2 ऐसे प्रोसीजर अपना सकते हैं और इसके बिहाफ पे अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या हो सकती है, इफ ए एंड बी आर लोकेटेड कंट्रोल पॉइंट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू देम न्यू कंट्रोल पॉइंट सी इज टू बी लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम मेजरमेंट रिक्वायर्ड एज शोन इन द फिगर। जिसमें सबसे छोटी से छोटी आपको डिस्टेंस आपको नापना पड़े, तो उस कंडीशन में आप लोग अपना सर्वे करेंगे और उसके बिहाफ पे आप अपना जो है सर्वे को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसा हमको ये ध्यान रखना रहेगा कि जहाँ सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस आ रही हो, उस छोटी से छोटी डिस्टेंस को हम लेके हमारा जो कंट्रोल पॉइंट है ए और बी, उसके बिहाफ पे हमको जो नया पॉइंट बनाना है, उस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। देन अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात करेंगे नेक्स्ट हम। तो सर्वे क्लासीफाई किए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से। पहला सर्वे क्लासिफिकेशन हो सकता है नेचर के बिहाफ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे, तीसरा इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे, और तीसरा फोर्थ वन द मेथड एम्प्लॉयड्स, जो आप लोग कोई मेथड जो इसमें एम्प्लॉय कर रहे हैं वो वाली।
तो लैंड सबसे पहले बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे की बात करूंगा मैं, तो उसमें सबसे पहले कैसे करेंगे, टोपोग्राफिक सर्वे अगर हम देखेंगे, लैंड सर्वे इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन लैंड, दिस टाइप ऑफ सर्वे इज मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज गिवन बिलो। तो टोपोग्राफिक सर्वे जो गया, इट इज मीन बाय प्लॉटिंग नेचुरल फीचर्स लाइक रिवर, लेक, फॉरेस्ट, हिल एज वेल एज मैन मेड फीचर्स लाइक रोड, रेलवे, टाउन्स, विलेज एंड कैनाल। तो जो टोपोग्राफी हो गया, जिससे कि हम लोग हमारा हम ये निकाल सकते हैं कि कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर हिल है, कहाँ पर रोड नेटवर्क बना हुआ है, कहाँ पर हमको जरूरत है, कहाँ पर रेलवे का नेटवर्क बना हुआ है, कहाँ हमको जरूरत है, कहाँ पर सिटी आ रही, कहाँ विलेज आ रहा है। तो इस तरह के नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफिक सर्वे। अब पेडेस्ट्रियन सर्वे किसको बोलते हैं, जहाँ अगर मेरे को मैं अगर मैं जिस सिटी में रहता हूँ तो उसकी बाउंड्री मार्क करना हो, या मुझे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री मार्क करना हो, या तहसील की बाउंड्री मार्क करना हो, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर मैकिंग द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, विलेज, तालुका जिसको मैं तहसील बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, तो ये सब कैटेगरी गाय में आएगी कैडिस्ट्रल सर्वे में। अब सिटी सर्वे में क्या रहता है, जैसे कि आपको कोई सिटी बन चुकी है, अब सिटी जो बन गई है उस सिटी को हम लोग उसमें वाटर सप्लाई लगाना हो, किस कैटेगरी में हमको वाटर सप्लाई लगाना हो, कहाँ से हमको पानी लेके आना है, सीवेज वाटर, सीवेज जो निकल रहा है कहाँ वो सीवेज पहुँचाना है, कहाँ उसमें फिल्टर करना है, कितना हमको पावर स्टेशन लगेगा, ये वगैरह वगैरह हमको जो सर्वे करना रहेगा, ये सब काम आएगा आपका लैंड सर्वे के अंदर, जो आएगा नेचर सर्वे के अंदर। देन मरीन में जैसे मैंने बताया, अगर आपको सी की डेप्थ नापना हो, आपको पोर्ट बनाना हो, तो वो सब काम आएगा मरीन हाइड्रोग्राफी के अंदर आएगा। एस्ट्रोनॉट में जैसे मैंने बताया था, अगर आपको सन और उसकी बीच में डिस्टेंस नापना हो, प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस नापना हो, या फिर आपको सेटेलाइट के बीच में डिस्टेंस नापना हो, तो सब काम आएगा ये सब आपके एस्ट्रोनॉट सर्वे के अंदर। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्वे, तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजिंग, इसमें सबसे पहले आता है इंजिंग सर्वे। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम डिजाइनिंग सिविल इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, रेलवे, इरीगेशन, वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमको कहाँ पर हमको रोड नेटवर्क बनाना है, का रेलवे नेटवर्क बनाना है, का इरीगेशन वाला पार्ट करना हो, तो ये सब डिफरेंट जो कैटेगरी है ये सब काय में आएगी, हमारी ऑब्जेक्ट सर्वे के अंदर आएगी। तो इसमें सबसे पहले रिकनोइंग सर्वे जो होता है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर हम लोग, कि अगर कोई मैं नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो उस एरिया के लिए वो कितना फिजिबल है, तो वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन उसको यूज करने वाली है। तो इस तरह के जो सर्वे होते हैं काय में आते हैं रिकनोइंग सर्वे में आते हैं। और प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे फॉर कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब आपने जहाँ जहाँ आपने रिकनोइंग सर्वे बना दिया है तो आपको ये पता लग गया होगा कि वहाँ पर ये डिमांड आ रही है, तो अब उस डिमांड को हमको आपको अकाउंटिंग में लेके आना है, जिसको मैं कह सकता हूँ अमाउंट के रूप में लेके आना है। तो ये सब का है प्रीमियर सर्वे के अंदर आएगा। देन मिलिट्री सर्वे, जब बंकर बनते हैं, माइंस, जहाँ आपको खदान वगैरह देखनी है, जियोलॉजिकल, जहाँ आपको अर्थ के स्ट्राटा के बारे में जानना हो, फॉरेस्ट के बारे में जानना हो, सब काम में आएगा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। आपको आर्कियोलॉजी के मोन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में जानना हो तो काम आएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आएगा। नाउ नेक्स्ट सर्वे इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, जो हमको हमारे चैप्टर्स में पढ़ना रहता है, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, चैन सर्वे हो गया है, कंपास सर्वे हो गया है, प्लेन टेबल सर्वे हो गया है, थ्रोडोलाइट सर्वे हो गया है, टैकोमेट्रिक सर्वे हो गया है, ईडीएम हो गया है, मॉडर्न ईडीएम इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस मीटर हो गया है, फोटोग्राफिक सर्वे हो गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सर्वे हमारे जो सर्वेइंग में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। और लास्ट वन जिसको मैं बोलूंगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एम्प्लॉयड, तो ट्राइंगुलेशन ट्रेवर्जिंग। अब ट्राइंगुलेशन ट्रेवर्जिंग क्या होता है, ट्राइंगुलेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आता है कि हमको इन दिस मेथड कंट्रोल पॉइंट एंड एस्टेब्लिश टू नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें क्या रहता है, जो हमारे बड़े बड़े एरिया रहते हैं उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे एरिया में, बाय हेल्प ऑफ करते हैं उसमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स के रूप में। तो ट्राइंगल्स कैसे रहेंगे, आपके ट्राइंगल रहेंगे, आप बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में छोटे ट्राइंगल बना लीजिए। छोटे ट्राइंगल बनाने से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इजी होने से क्या रहेगा, आपको जो जो कैलकुलेशन है वो एस्टिमेट करने में आराम रहेगा, और उससे आपका जो कॉस्ट कॉस्ट है वो इजीली निकल सकता है। और ट्रेवर्सिंग का बेसिकली हम लोग का यूज़ करते हैं, एनी स्कीम ऑफ एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड पॉइंट्स एस्टेब्लिश थ्रू लीनियर एंड एंगुलर मैनेजमेंट। अब ट्रेवर्सिंग दो टाइप से की जा सकती है, पहली होती है क्लोज ट्रेवर्सिंग, दूसरी होती है ओपन ट्रेवर्सिंग। अब क्लोज ट्रेवर्सिंग ओपन ट्रेवर्सिंग क्या रहती है, बेसिकली क्लोज एंड ओपन में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि जैसे मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, मान लीजिए मुझे किसी एक प्लॉट की बाउंड्री बनानी है, तो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, बी पे जाऊंगा, सी पे जाऊंगा, डी पे जाऊंगा, ई पे जाऊंगा, वापस ए पे वापस क्लोज होगा।
तो इस टाइप की जो ट्रेवर्सिंग रहती है वो क्लोज ट्रेवर्सिंग रहती है, और ये बेसिकली हम लोग हमारी बाउंड्री मार्क करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देन ओपन ट्रेवर्सिंग क्या रहती है, अगर मुझे ए पॉइंट से लेकर मुझे एफ पॉइंट पे जाना है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ रहते हैं, जैसे मेरा हाउस है यहाँ पर राजवाड़ा में, तो राजवाड़ा से लेकर मुझे रेलवे स्टेशन जाना रहेगा, तो वो डिस्टेंस क्या रहेंगी, नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे आपके, ए से आपने बी पॉइंट मार्क करा, बी से सी पॉइंट मार्क करा, डी सी से डी, डी से ई, ई से एफ, तो इस टाइप की जो ट्रेवर्सिंग रहती है, इस टाइप की कैलकुलेशन रहती है, वो हम लोग काय में लेके आते हैं क्लोज ट्रेवर्सिंग, ओपन ट्रेवर्सिंग में, सॉरी ओपन ट्रेवर्सिंग में लेके आते हैं। तो ट्रेवर्सिंग भी एक तरीके से आपका सर्वे का पार्ट है, जिसके बिहाफ पे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कुछ यूनिट्स देखते हैं हम लोग, गीगा बाइट किसको बोलते हैं, 1 × 10^9 मेगाबाइट किसको बोलते हैं, क्योंकि सर्वेइंग में हमको बेसिकली मेजरमेंट जानना बहुत जरूरी है, इसी के बिहाफ पे आप लोग बड़े बड़े जो सर्वे है उसको छोटे फॉर्म में अपने ड्राइंग शीट को आप उतार सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गीगाबाइट किसको बोलेंगे, 10^9, मेगा 10^6, किलो 10^3, मिली 10^-3, माइक्रो 10^-6, वन सर्कमफेरेंस उसको कंप्लीट करना बोलते हैं हम लोग, जब एक सर्कमफेरेंस हो जाता है 360 डिग्री का, 1 डिग्री किसको बोलते हैं, 60 मिनट को, 1 मिनट किसको बोलते हैं, 60 सेकेंड को। तो ये बेसिक आपको बहुत मेजरमेंट है जो बेसिक आपको ध्यान रखना रहते हैं ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग या कैलकुलेशन करने में। तो सर्वेइंग जैसे कि मैंने बताया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डेवलप किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए, वो विदाउट सर्वेइंग आप कोई भी एरिया डेवलप नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे चैन सर्वे क्या होता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो मैं उस नेक्स्ट वीडियो की लिंक में चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। थैंक यू।